हेलो स्टूडेंट, यह आपका अध्याय 17 का पहला पार्ट होगा जो कि इस चैप्टर का नाम है गोला, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर। आज हम इस चैप्टर के जो कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको हम देखने वाले हैं। चूँकि नाम है इस चैप्टर का स्फीयर, तो हम इस स्फीयर के बारे में थोड़ा सा बहुत समझ लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसके फॉर्मूले को समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो प्रश्न है आपको उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है यदि एक ठोस गोले किसी वक्र तल से घिरा हुआ हो, मतलब कोई ठोस गोला होना चाहिए और वक्र तल का मतलब बाहरी हिस्सा इससे क्या होना चाहिए, घिरा होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा घिरा हो कि उस पर का प्रत्येक बिंदु, उस पर पड़ने वाले प्रत्येक बिंदु स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो, तो वह क्या कहलाता है, वह ठोस क्या कहलाता है, एक गोला कहलाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है, मान लीजिए कोई एक ठोस गोला है, ठीक है, इसके अंदर में क्या है, एक गोला मतलब बिंदु है, और इस बिंदु पर जहाँ पर जिस तल पर हम क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे, तो वह क्या होगा, सभी रेखा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो वही क्या कहलाता है, हमारा गोला कहलाते हैं। क्लियर? चलिए चलिए हम इस सब के सारे के फॉर्मूले के बारे में एक बार देख लेते हैं, फिर चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर फॉर्मूले जो याद रखने वाला बात है, इस फॉर्मूले को हम सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहला नंबर फॉर्मूला आएगा आपका, जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान से फॉर्मूलों के समझिएगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला का मैथ नहीं बनेगा। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, या फिर पृष्ठ क्षेत्रफल बोल लीजिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, पहला नंबर फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। सेकेंड नंबर फॉर्मूला हो जाता है आपका, जो गोले का आयतन बराबर क्या हो जाता है, गोले का आयतन बराबर। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? चलिए तीसरा नंबर पे आता है आपका, जो छल्ले या छलका, छल्ले लिख देते, छल्ले का आयतन बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब 12 त्रिज्या का स्क्वायर क्यूब, अच्छा आयतन है तो क्यूब हो जाएगा, आयतन है तो कैपिटल आर क्यूब माइनस में स्मॉल आर क्यूब, यह क्या हो जाएगा आपका, छलके का आयतन। इसका मतलब यह हो गया, अगर कोई मान लीजिए अगर गोला दे दिया, डबल गोला दे दिया, ऊपर भी नीचे भी, तब इस बीच का जो क्षेत्रफल निकाल आयतन निकालेंगे, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, छल्ले का आयतन बराबर, ठीक है। क्लियर? चलिए अब हम समझ लेते हैं, गोला में सिर्फ इतना ही तीन फॉर्मूला याद रखना है। अब उसके बाद आता है अर्धगोला, क्योंकि यह चैप्टर गोला और अर्धगोला दोनों से रिलेटेड है, तो अर्धगोला का फॉर्मूला को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए, अर्धगोला का पहला फॉर्मूला हो जाएगा आपका, अर्धगोला में सेमी स्फीयर, अर्धगोला का, यहाँ पर मैंने लिख दिया अर्धगोला, अर्धगोला का पहला फॉर्मूला हो जाएगा आपका, पहला फॉर्मूला जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का इसमें तीन फॉर्मूले हो जाएंगे, इसमें भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड नंबर फॉर्मूला इसका हो जाएगा, जो अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ, तो अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा आपका, अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? चलिए चौथा नंबर में फॉर्मूला आ जाएगा आपको, जो अर्धगोले का आयतन बराबर, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3, याद रखने के लिए मैंने ऐसे बता दिया, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? चलिए एक बार फिर से एक बार सभी को समझ लीजिए, जो यदि किसी गोले का अगर त्रिज्या आर दिया रहेगा, तब क्या दिया रहेगा, त्रिज्या आर दिया रहेगा तब। अब ये त्रिज्या क्या होता है, देखिए जब हम मान लीजिए गोला है या इसका सेंटर हो गया, तो सेंटर से जो सतह पर रेखा खींचेंगे, सेंटर से लेकर के सतह पर जो रेखा खींचेंगे, सरल रेखा खींचेंगे, उसे ही क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम हमेशा आर से सूचित करते हैं।
जिसे हम किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। और पाई क्या होता है, पाई का एक वैल्यू होता है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जो पाई का वैल्यू अगर दिया रहेगा बुक में तो उसके हिसाब से चलेगा, नहीं तो पाई का वैल्यू अपने मन से जो लेना है तो पाई का वैल्यू क्या लेना है, 22/7 ही लगा। और ये दिया रहेगा तो बुक में दिया रहेगा तो पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, अदरवाइज पाई का मान क्या लेना है, 22/7 ही लेना है, नहीं दिया रहेगा तब। क्लियर? तो पहले यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, गोले का संपूर्ण प्रिंसिपल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, छल्ले का आयतन 4/3πR² माइनस में r³। और यहाँ पर अर्धगोले में आ जाएगा आपका अर्धगोले का वक्र प्रिंसिपल 2πr², अर्धगोले का पूर्ण प्रिंसिपल 3πr², और यहाँ पर अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3πr³। चलिए क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया। चलिए आगे आ जाइए, उसके बाद पहला नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है। पहला नंबर, जो आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अगर एक ठोस गोला दे दिया और इसका त्रिज्या दे दिया आर, त्रिज्या क्या दे दिया, आर दे दिया, तो उसका आयतन क्या होगा? तो मैंने जस्ट अभी कुछ ही देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपका, जो गोले का आयतन बराबर, फॉर्मूला मैंने बताया था गोले का आयतन बराबर, जल्दी फटाफट बताइए, गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3, गोले का आयतन बराबर 4/3πr³। ये तीसरा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, गोले का आयतन 4πr³, गोले का आयतन 4πr³। क्लियर? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है दूसरा नंबर भी, रिक्त स्थानों को भरे यदि किसी गोले का आयतन v बराबर क्या होगा? यहाँ पर खाली स्थान दे दिया, मतलब v बराबर क्या होता है, v को हम आयतन बोलते हैं, v बराबर क्या होगा, v बराबर क्या होगा, चलिए v बराबर क्या होगा जबकि गोले की त्रिज्या दे दिया, इसमें भी त्रिज्या दे दिया r, अगर त्रिज्या कुछ अलग दिया रहता तो उसको हम क्या लेते हैं, अलग हो जाता, लेकिन त्रिज्या r दिया रहेगा तो लिखेंगे गोले का आयतन बराबर। बोलिए त्रिज्या हो गया तो गोले का आयतन बराबर क्या हो जाता है, 4/3πr³। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3πr³। क्लियर? चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, फटाफट देख लीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों को भरे, खाली जगह को भरना है किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कह रहा है ज्ञात करने के लिए, पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए जबकि इस गोले का त्रिज्या दे दिया आर इकाई, त्रिज्या दे दिया है आर इकाई, तो बोलिए अगर त्रिज्या दे दिया रहेगा किसी गोले का अगर त्रिज्या आर दिया हो तो बोलिए इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो मैंने अभी जस्ट फॉर्मूले में बताया था गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4πr², तो मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा 4πr², यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बनाने वाला क्वेश्चन दे दिया गया, किसी टंकी के गोलीय वाल्व का व्यास दे दिया है 21 सेंटीमीटर, एक गोलीय वाल्व है ठीक है, जिसका व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दिया हुआ, गौर कीजिएगा सवाल पर, त्रिज्या हमें नहीं दिया गया, डी दे दिया गया, व्यास दे दिया गया, यहाँ से यहाँ तक व्यास दे दिया कितना 21 सेंटीमीटर। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं बता दूँ, जो व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुनी होती है, व्यास जो होती है क्या होती है, त्रिज्या का दोगुनी है, अर्थात इसका मतलब यह हो गया, अगर मान लीजिए डी दिया हुआ है, डी मतलब क्या होता है व्यास, तो डी दिया हुआ है कितना 21 सेंटीमीटर, डी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 21/2, मतलब त्रिज्या क्या होती है, इस व्यास का आधी होती है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा 21/2, इतना ही मान रखना है। अब यहाँ पर कह रहा है किसी टंकी का गोलीय, टंकी का जो वॉल्व है कैसा है, गोल है, मतलब गोलाकार है, ठीक है, ठोस आकृति में गोलाकार है, और जिसका डी दिया हुआ 21, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 21/2 हो जाएगा, ठीक है, और वॉल्व का व्यास दे दिया गया है, तो कह रहा है इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए और साथ ही साथ इसका आयतन भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए फटाफट, अगर आर पता है तो हम इसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और आयतन भी निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर वॉल्व का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, चलिए फटाफट पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला,
पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² क्या होता है, 4πr² क्लियर। बालक का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², तो 4 का 4 हो जाएगा, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, अगर बुक में नहीं दिया हो तो पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7 लेना है, गुना में आर स्क्वायर, मतलब आर का मान कितना दिया हुआ है 21/2, इसी को स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर का मतलब होता है दो बार गुना कर देना, तो चलिए यहाँ पर मैंने दो बार लिख दिया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर है इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया दो बार लिख दिया, 7 × 7 = 21 कट गया, 2×2 = 4 और यहाँ पर 4×4 कट गया, अब नहीं कटने वाला है, चलिए गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 21 × 63, तो 22 × में कितना हो गया 63, अगर हम इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3×6 = 6 हो गया, ठीक है 3×6 और 6×12 12×6 = 18 हो गया, हाथ में बच गया 1 और 6×12 = 13 1386 cm², यह देना बहुत ज़रूरी है, वर्ग सेंटीमीटर देना बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, चलिए 1386 cm² हो गया क्लियर। लेकिन अभी एक का ऑप्शन निकला है और एक बी निकालना भी बाकी है, आयतन निकालना बाकी है, तो फटाफट मैं यहाँ पर दूसरा सूत्र लगा दूंगा, जो वॉल्व का गोलाकार वॉल्व है, तो गोलाकार वॉल्व का आयतन बराबर वॉल्व का आयतन, बताइए फटाफट आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³, 4/3πr³, तो बताइए 4/3 का 4/3 हो जाएगा, 4/3 का 4/3 गुना में पाई का वैल्यू 22/7 और गुना में आर का वैल्यू पता है हमें 21/2, तीन बार गुना कर देंगे क्योंकि पावर में 3 है, 21/2 × 21/2 × 21/2, कोई बताएगा तीन बार क्यों लिखे हैं, क्योंकि पावर में 3 है, r³ मतलब तीन बार गुना के रूप में लिखना है, चलिए काटिए फटाफट कौन कौन कट जाएगा 7 × 7 = 21, ठीक है, और ये तीन कट गया, चलिए मैं इस कलर से काट देता हूँ, इसको मैंने काट दिया, फिर यहाँ पर 2×2 = 4 यहाँ से देख लीजिए 2×2 = 4 2×2 = 4 और यहाँ पर ये 4 कट गया, अब क्या बच गया, और ये वाला बच गया, तो इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको 2×1 = 2 और यहाँ पर बच जाएगा कितना, थोड़ा सा इसको ब्राइट कर लेता हूँ, यहाँ पर कितना बचेगा 2×4 = 22 2×1 = 2 2×11 = 22, नीचे में कुछ नहीं बचा, ऊपर में बच गया हमारा 11, 21 और 21, चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 11, 21 और 21, गुना करना है तीनों को, 11 × 21 और 21 कितना होता है, 21 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 21 को गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 140, 21 को 21 से गुना करना है तो हो जाएगा 1×2 = 2 और 21×2 = 42 441 को गुना करना है कितना से 11 से, तो 4×4 = 1 और 4×4 = 1 कितना हो जाएगा 1×1 = 4 × 5 = 4×4 = 8 और 4 4851 गुना करने पर कितना हो जाएगा 4851, लेकिन सेंटीमीटर में इसका त्रिज्या दिया गया तो क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर, या तो आप घन सेंटीमीटर लिखिए या फिर इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं cm³³, तब भी हमारा आंसर क्या होगा सही हो जाएगा, कितना आंसर हो गया 4851 cm³ क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइव नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक गोले की त्रिज्या दिया हुआ है 7 cm, एक गोला है जिनका त्रिज्या दे दिया गया कितना 7 cm, तो इसका कह रहा है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, सेम जस्ट अभी मैंने क्वेश्चन बनाया था उसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ कोई सा थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है, त्रिज्या दिया हुआ है मतलब आर दे दिया है, तो लिखेंगे पहले यहाँ पर गोले का त्रिज्या बराबर जो दिया हुआ है इसको लिख लेंगे, गोले की त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है 7 cm, त्रिज्या दे दिया 7 cm, 55 नंबर सवाल में त्रिज्या दे दिया है 7 cm, चलिए तो गोले का त्रिज्या दे दिया तो क्या निकालना है आयतन निकालना है, तो लिखेंगे गोले का आयतन बराबर क्या होता है फटाफट बोलिए, आयतन बराबर 4/3πr³, यही होता है सूत्र गोले का आयतन बराबर, तो बताइए 4/3 का 4/3 यहाँ पर मैं दे देता हूँ 4/3 का 4/3 गुना में पाई का वैल्यू अगर नहीं दिया है उस बुक में तो 22/7 गुना में r³ मतलब त्रिज्या को 3 बार गुना कर देना क्योंकि पावर में 3 है, तो 7×7×7 क्लियर। चलिए गुना कीजिए 1 7 से 1 7 कट गया
और कोई कटने वाला है? अब नहीं कोई कटेगा, तो चलिए गुना कर देते इसको। 22 चौके 88 कितना हो जाएगा? यहाँ पर मैं आगे गुना कर देता हूँ, 22 चौके 88 और गुना में 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49। अब इसको फिर से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा? फिर से गुना करेंगे तो 9 8 72 का 2 हो जाएगा, हाथ में हो जाएगा 7 और 9 8 72 8 4 32। 32 72 कितना होता है? 32 और 72 आपका हो गया कितना? जो 4 2 2 4 7 10 104 और इसमें जोड़ देना कितना? 9 8 72 7 111 का हाथ में हो जाएगा 1 और हाथ में कितना? 111 का 1 हाथ में 1 और 4 को 32 है, 32 11 कितना हो जाएगा? 2 1 3 और 3 1 4 43 और डिवाइडेड में 3 और इसके नीचे में 7 3 भी है ना, क्योंकि 3 तो कटा नहीं हुआ है, तो इसके नीचे में 3 दे देना है, इसके नीचे में 3 दे देना है, तो बट्टा में 3। अब इसको क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है, भाग देना है। 3 से क्या करना है? इसको भाग देना है। चलिए तो भाग दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 से इसको भाग देना है तो कितना हो जाएगा? 4 3 का 3 बढ़ जाएगा 1 3 13 4 3 12 और बढ़ जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 4 4 3 12 1 5 11 3 3 9 2 5 2 22 3 7 21 दशमलव कितना हो जाएगा? उसके बाद जो 1 5 0 10 3 3 9 1 5 0 21 का 22 1 21 का 1 3 3 9 और यहाँ पर हो जाएगा 1 3 3 9 लगभग 1437 दशमलव 33 या फिर इसका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आयतन है, आयतन के लिए क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर इसको हम कह सकते हैं। क्लियर? चलिए अभी सिर्फ ए नंबर सवाल बना है, बी नंबर भी बनाना बाकी है। बी नंबर सवाल में क्या कह रहा है? जो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, तो लिखेंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, त्रिज्या दिया हुआ है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला फटाफट बताना है। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब 4πr² तो 4 का 4 हो जाएगा, नीचे ले लेते हैं, 4 का 4 हो जाएगा गुना में पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा और गुना में r² का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर तो 7 × 7 1 से 7 1 7 कट गया, अब कोई नहीं कटने वाला। 22 को 88 को 7 से गुना कर दीजिए या फिर 728 बराबर कितना? 22 को गुना कर देना है 28 से, कितना हो जाएगा? 8 × 16 = 6 बच गया हाथ में 1 और 2 × 4 = 20 20 × 21 = 2 और 2 × 4 = 5 516 cm² इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना नंबर का सवाल है? 5 का बी नंबर में कितना आंसर आएगा? 516 cm² 500 मिस्टेक है क्या? अच्छा 2 × 4 = 5 सॉरी यहाँ पर 6 हो जाएगा, 616 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 616 cm² इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे आ जाइए, 5 नंबर के क्वेश्चन में दोनों आप निकल गया, यहाँ पर वर्क पृष्ठ भी निकल गया और क्षेत्रफल भी निकल गया। आगे 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रिक्त स्थानों को भरे 3 r cm त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा? सवाल पलट गया, थोड़ा सा सवाल पलट गया, क्या पलटा? यहाँ पर अर्धगोला दे दिया, तो अर्धगोला कैसा होता है? आधा होता है, पूरा गोला नहीं होता है, मतलब आधा होता है, कुछ इस प्रकार से अर्धगोला को हम दर्शाते हैं। इसके यहाँ पर त्रिज्या क्या बोले, इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3r। त्रिज्या दिया हुआ है 3r तो कह रहा है इसका अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर शुरू में, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ कहाँ गया? अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। क्लियर? चलिए तो कहाँ पर है हमारा सवाल? 2/3 πr³ यहाँ पर आ जाइए सवाल पर, सवाल में यही है। चलिए दिया हुआ है, लिखेंगे अर्धगोले का, जो दिया हुआ है इसको पहले लिख दीजिए, अर्धगोले का त्रिज्या दिया हुआ है, अर्धगोले का त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर 3r cm, 3r cm दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ 3r cm, तो बताइए इसका आयतन क्या हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन लिखना है, अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है? 2/3 πr³, 2/3 × π 22/7। अच्छा इसमें पाई का जो वैल्यू है, 6 नंबर में पाई का वैल्यू आपको पाई ही मिल जाएगा, ठीक है?
चलिए इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू आपको पाई ही रखना है, क्योंकि आंसर में आपका पाई ही मिलेगा, या फिर इस तरह से भी बनाइए तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन आंसर मैच करने के लिए मैं यहाँ पर पाई का वैल्यू पाई ही दे देता हूँ। लेकिन आर का वैल्यू जो होगा यहाँ पर 3r हो जाएगा, और तीन बार गुना के रूप में लिख देंगे, क्योंकि पावर में 3 है तो 3r गुने में 3r गुना में 3r, क्लियर। चलिए एक 3 और एक 3 कट गया, यहाँ से एक मान लिया मैंने, यहाँ पर एक एक कट गया, 3 1 3, 3 1 3, और यहाँ पर गुना कर देना पड़ेगा। तो 3 3 9, इस दोनों को गुना करेंगे तो 3 3 9, और 9 को गुना करना पड़ेगा 2 से, तो 3 2 कितना हो, 9 2 8 कितना हो जाएगा 18, और पाई का वैल्यू पाई, और यहाँ पर एक आर तीनों को गुना कर देंगे तो आर का क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 18 पाई आर क्यूब। और दूसरी बात, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसका त्रिज्या जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखना भूलना है, जो सेंटीमीटर एस क्यूब आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मतलब घन सेंटीमीटर हो गया, क्लियर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट सबका, सारे क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एक अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। अर्धगोलीय कटोरिया है, कटोरा कैसा है, अर्धगोलाकार है, मतलब गोला नहीं है, आधा ही गोला है, ठीक है। चलिए तो अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या दे दिया 9 सेंटीमीटर, तो उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए फटाफट फिगर देख लीजिए कैसे बनेगा, अर्धगोला कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से अर्धगोला होता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं व्यास, पूरा को बोलते हैं व्यास, लेकिन आधा को बोलते हैं त्रिज्या, आधे भाग को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते थे। त्रिज्या दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर पहले लिख देंगे जो दिया हुआ है, तो लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, अर्धगोले की त्रिज्या क्या हुआ है ना, चलिए अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, ऑनलाइन क्लास वाला ध्यान से देखिएगा, कमेंट करते रहिए सर इसमें, ठीक है कोई, हाँ। चलिए आगे आ जाइए, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, जहाँ पर भी दिक्कत होगा कमेंट करके बोलिएगा, ऑनलाइन क्लास वाले ध्यान से समझिएगा। अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, क्लियर नहीं आ रहा है, अरे हाई रेजोल्यूशन 360 पर कर लीजिए, आप लोग कितने पर देखते हैं, 360 पर देख लेते हैं, पढ़ने वाला चीज़ आप कभी भी 144 पर नहीं देख सकते हैं, थोड़ा इसका रेजोल्यूशन को हाई कीजिए, 360 कीजिए, तब फिर क्लियर दिखेगा, अब दिख रहा है सर, हाँ बिल्कुल 360 पर कीजिए, ऑनलाइन क्लास वाला ध्यान दीजिएगा, बाकी तुम लोग भी ध्यान दो, इधर नहीं बनेगा तो पिटाई खाएगा फिर बाद में। अर्धगोले की त्रिज्या क्या होता है, अर्धगोले की त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, तो पहले इसको लिख देना 9 सेंटीमीटर, इस बार मैंने यहाँ पर 9 सेंटीमीटर सेमी को हिंदी में लिखे हैं, बाकी सारे में इंग्लिश में ही लिखते थे क्या, चलिए ठीक है अब आगे देखिए, अर्धगोले की त्रिज्या दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, तो कह रहा है आंतरिक, उसका आंतरिक वक्र पृष्ठ निकालने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, वक्र पृष्ठ निकालने के लिए, तो बताइए वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ बराबर मैंने बताया था संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है, वक्र पृष्ठ अलग होता है, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब चारों भार से, मतलब ऊपर वाला भाग भी आ जाता है संपूर्ण पृष्ठ में, लेकिन वक्र पृष्ठ में अंदर अंदर वाला भाग ही आता है, ऊपर वाला नहीं आता है, तो आंतरिक वक्र पृष्ठ कह रहा है, तो वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πr², मैंने फॉर्मूला पहले ही बता दिया था, अर्धगोले की त्रिज्या दिया हुआ है तो लिखेंगे अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, अर्धगोले का अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², मतलब 2 का वैल्यू तो 2 ही होता है, पाई का वैल्यू 22/7 और गुना में r², मतलब त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ है कितना 9 सेंटीमीटर, तो 9 को दो बार गुना कर देना 9 × 9, यहाँ पर कहीं कोई नहीं कटने वाला, सॉरी 9 × 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 × 9 कोई कटने वाला है, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, तो चलिए गुना कर देंगे इसको, गुना कीजिए कितना हो जाएगा 9 9 में 81 और 22 × 44
44 गुना में 81 और बट्टा में 7 कितना हो जाएगा, गुना करके बताइए फटाफट। 4 × 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 × 4 8 × 32 = 32, 4 × 37 = 7 आठ चौक 32 × 32 = 3 कितना होता है 35 होता है, 35 डिवाइडेड बाय कितना 7। अब इसको भाग करना है, दशमलव के रूप में निकालना है, दशमलव के रूप में कैसे हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35 भाग देंगे तो 7 × 5 = 35 बच जाएगा, कट गया, 2 अंक उतारेंगे तो 1 0 आ जाएगा, 7 × 9 = 63 हो जाएगा, तो 9 और यहाँ पर दशमलव देंगे, 1 × 0 = 10 7 × 1 = 7 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 0 = 30 7 × 28 लगभग इतना इसका मान आ जाएगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 509.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 509.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका किसका आंसर आ गया इतना, उसका सही है बिल्कुल। चलो आगे आ जाओ, 7 का ए नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, 2 सेकंड में आ गया जी। कितना नंबर क्वेश्चन होगा, 7 का बी नंबर क्वेश्चन। 7 का बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो क्या कह रहा है याद करने के लिए, धारिता। धारिता का मतलब होता है, धारिता का मतलब मैं बता दूं, मान लीजिए एक गिलास है, गिलास है, गिलास में अगर पानी डाल देते हैं तो पूरा भर जाता है, तो जो पानी जितना पानी गया उसी को बोलते हैं धारिता। मतलब कितना चीज इसमें रख सकते हैं, ग्लास में जितना चीज रख सकते हैं इसी को क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं इसको, आज हम 12 तक बता देंगे, कोशिश करेंगे 12 तक बताने के लिए, हाँ अगले क्लास में इसे आगे बताएंगे, ठीक है, ऑल क्लियर। धारिता का मतलब समझ में आ गया, जो आयतन ज्ञात करना है, आयतन है मतलब पूरा चीज हो जाता है जिसके इसके अंदर में कितना सामान उठेगा इसको हम आयतन बोलते हैं, आयतन ही बोलते हैं। सर संपूर्ण पृष्ठ किसे बोलते हैं, अरे संपूर्ण पृष्ठ का मतलब नहीं समझा, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब अगर हम गोले का बात करें तो इस वाला एरिया को संपूर्ण पृष्ठ बोलेंगे, इधर से इधर, इधर से इधर, पूरा का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। इसमें वक्र पृष्ठ नहीं होता है, गोले में वक्र पृष्ठ नहीं होता है, अर्धगोले में वक्र पृष्ठ होता है, अर्धगोले में वक्र पृष्ठ होता है, गोले में वक्र पृष्ठ नहीं होता, गोले में संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। इसमें आयतन होता है, आयतन का मतलब इसमें कितना चीज डाल सकते हैं, ये जो गोला दिख रहा है ना इसमें कितना चीज हम डाल सकते हैं इसी को बोलते हैं आयतन, मतलब धारिता, क्लियर। चलिए सवाल में क्या कह रहा है, जो एक अर्धगोला है, की गोला है, अर्धगोला है, अर्धगोला कैसा बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा, ठीक है, अर्धगोला कुछ इस तरह से बन जाएगा और इसका त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या भी इसका दिया हुआ 20 व्यास दिया हुआ है इसका 20 सेंटीमीटर, मतलब d दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो बताइए ना जब d 20 सेंटीमीटर तो r कितना हो जाएगा, तो 20/2 बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। किसी को समझने में दिक्कत यहाँ पर, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, क्लियर। गौतम कुमार हेलो, हाँ आ रहा है ना समझ में, चलिए हाँ ठीक है, इतना पर आंतरिक व्यास का 20 सेंटीमीटर दिया है, फटाफट बोलिए इसका आंसर कितना होगा, धारिता आयतन ज्ञात करना है, इसका आंसर कितना होगा, दशमलव में, हाँ दशमलव में भी निकाल सकते हैं, वैसे आपका आंसर शायद पूर्णांक में होगा, हाँ आंसर पूर्णांक में होगा, तो पूर्णांक में ही निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, किसी को दिक्कत, किसी को, अच्छा इसमें आर दिया हुआ है, त्रिज्या यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, बताइए फटाफट क्या होगा, त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, चलिए बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, क्या दिया हुआ है, अर्धगोलीय दिया हुआ, अर्धगोले त्रिज्या, अर्धगोले यही है ना, चलिए फटाफट बनाइए इसको, तो एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यहां पर उसकी धारिता मतलब आयतन यहां पर पहले लिख देंगे, जो अर्धगोले, अर्धगोले कटोरे का क्या दिया हुआ है, त्रिज्या, अर्धगोले कटोरे का त्रिज्या दिया नहीं हुआ है, मतलब निकाले हैं अभी, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या पता रहेगा तभी ना हम आयतन निकालेंगे, त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो क्या कह रहा है निकालने के लिए, धारिता ज्ञात करने के लिए, तो लिखेंगे अर्धगोले की धारिता, अर्धगोले कटोरे की धारिता, अर्धगोले कटोरे की धारिता, कटोरे की धारिता बराबर
क्या होता है आयतन बराबर 2/3 गुना में पाई का वैल्यू 22/ अच्छा यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख दो, उसके बाद आप लोगों को बता देंगे पाई आर क्यू, यही होता है ना फॉर्मूला। चलिए इसको काटिए फटाफट, 2/3 का 2/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 गुना में आर पता है हमको कितना 10 × 10 × 10 आयतन है ना जी। चलिए निकालिए इसको फटाफट, कितना हो जाएगा गुना करेंगे, कटेगा तो कोई नहीं, कोई नहीं कटेगा। चलिए गुना कीजिए तो इसको फटाफट गुना करना, 22 × 44 पर 3 × 0 कितना हो जाएगा 44/3 44,000 हो जाएगा बट्टा में 7×3 = 21 भाग देने पर कितना प्राप्त होगा पूर्णांक में आएगा तो भाग दे दीजिए, यहाँ पर पूर्णांक हम निकाल देते हैं कितना हो जाएगा 21 को भाग देना है कितना से 44,000 से, 44,000 से भाग देना है, 44,000 में भाग देना, 44,000 से नहीं 44,000 में भाग देना है, तो 21 × 2 कितना हो जाएगा 42 और यहाँ पर घट के आ जाएगा 2। हाँ फटाफट दीजिए, चलिए अब यहाँ पर घट के आएगा 0 उतारेंगे नहीं लगेगा, फिर 1 0 उतारेंगे, जब ये 2 0 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा अब यहाँ से 9 से कितना हो जाएगा 9 × 9 = 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा, अब यहाँ पर उतारेंगे कितना 0 उतारेंगे कितना से हो जाएगा कितना से हाँ 5 से, वेरी गुड 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 5×1=5 और 5×2=10 आपको पूर्णांक में है ना, तो दशमलव में नहीं निकालेंगे पूर्णांक तक ही छोड़ देंगे, 10 × 5=5 और यहाँ पर बच जाएगा ये, अच्छा इतना ही बचेगा जो कट गया ना फ्लट आप साफ हो गया, तो हो जाएगा कितना इतना पूर्णांक इतना बट्टा इतना मतलब 2095 पूर्णांक कितना बट्टा 5/21 किसका आंसर आया इतना आंसर किसका आया सेंटीमीटर क्यूब देना नहीं भूलना है, सेंटीमीटर क्यूब देना नहीं भूलना है, किसका इतना आंसर आ गया फटाफट बोलिए। इससे आगे वाला सेशन में हम आपको इससे आगे वाला क्वेश्चन बताएंगे, तब तक के लिए थैंक यू मिल, हाँ कल से हाँ लाइव क्लास चलेगा बिल्कुल रेगुलर चलता रहेगा।